अयोध्या नगर निगम का 276 करोड़ रुपए का बजट विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया। आम सभा की बैठक में विपक्ष के सभासदों ने जमकर हंगामा काटा और सदन में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। सपा पार्षद हाजी असद का आरोप है कि नगर आयुक्त विशाल सिंह तानाशाही रवैया अपनाते हैं और पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि टेंडर मैनुअल किए जाएं। वहीं इसका जवाब देते हुए नगर आयुक्त विशाल सिंह ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनको शांतिपूर्वक सदन में बैठने को कहा गया था, लेकिन वे हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बीच 276 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इन रुपयों से अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार अयोध्या के विकास के लिए नगर निगम काम कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र की सड़कें, नाली, लाइटिंग, साफ सफाई और अन्य काम के लिए इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें माननीय पार्षदों द्वारा बार बार कई मरतबा सदन में कहा गया था कि जो हमारे यहाँ टेंडर होता है उसको जो है उसके मैनुअल के तहत किया जाए, बार बार इन्होंने हर बोर्ड में आश्वासन दिया, लेकिन आज हमारे पार्षद ने जब उसने सवाल उठाया तो उसको सीधे सीधे हिटलरशाही के तरीके मना कर दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा और बोर्ड बैठक में आप चाहे रहिए या न रहिए, अगर इस तरीके से भ्रष्टाचारी और इस तरीके से तानाशाही रवैया कोई अधिकारी अपनाएगा उसके साथ सदन कैसे चलेगा। और मैं अपने माननीय भाजपा के पार्षदों से ये कहना चाहूंगा कि सम्मान खोकर अगर आप पार्षद करना चाहते हो तो अपमानित होकर ऐसे अधिकारियों के तरह जाते रहो, इसलिए जनता के बीच में आप कभी उठ नहीं सकते। इनके अनुसार अयोध्या के विकास के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई है उसके अनुसार शीघ्र ही हम लोग कार्य शुरू करें और मैं सभी सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। से आपका आप पे जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है पार्षदों ने कि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत समस्या है तो उसके लिए प्रयास करेगा। कोई संवैधानिक समस्या उसके बाद भी आप आए नहीं, मुझे कुछ नहीं।